बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हाज़िर ख़िदमत है एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, कल हमने बात की थी हार्ट अटैक के हवाले से और प्रोग्राम में जो कॉल्स आई थी, तकलीफ भी हुई बहुत सुन के और एक लेसन भी था हम सब के लिए कि हम लोग अपनी सेहत से बहुत गाफिल हैं। आम जिंदगी में आप देखें कि हम दिन रात तगोदों में लगे रहते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं और घर बना रहे होते हैं, गाड़ियाँ ले रहे होते हैं, अपना बैंक अकाउंट को मेंटेन कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। सेहत में सिर्फ और सिर्फ हमें उस वक्त अंदाज़ा होता है जब हमें कोई तकलीफ़ होती है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको ये हो गया है। लेकिन जब हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जब हम बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, तब हम समझते हैं कि अब हमें कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी को डायबिटीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में ही हो, उसके पीछे सालों का सफ़र होता है। जो बात मैंने कल कही थी और अक्सर वेशतर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ कि ठीक है, हालात आजकल अच्छे नहीं है, महंगाई है, लेकिन आप किसी अच्छे फिजिशियन से या आपके करीब ही कोई फैमिली फिजिशियन हो, उसके पास जाके 6 महीने में या साल में एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूर करवा लें। कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से एक डॉक्टर को ये समझने में आसानी हो जाती है कि इस वक्त आपका जो स्ट्रक्चर है, आपके जो फिजियोलॉजी है जिस्म की, वो सही है या वो गलत है। लेकिन वही वाली बात कि अगर आप नहीं करवाएंगे, जैसा कि कल कॉलर ने कॉल की, कल हार्ट अटैक के हवाले से प्रोग्राम था तो बहुत से कॉलर्स ने हमें बताया कि किसी के भाई को या किसी को अचानक साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, बिल्कुल कार्डियक अरेस्ट हुआ, अब वो चले गए और उनकी कंप्लेन नहीं थी कि उनको कुछ भी नहीं था, लेकिन शायद उससे पहले पता नहीं कि उनको देखा गया है, किसी डॉक्टर ने उनको देखा है, पता नहीं, हो सकता है कि उनको ब्लड प्रेशर हो, उनको डायबिटीज़ हो या उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हों या उनको कोई किडनी प्रॉब्लम हो, किसी को अमूमन ज़्यादातर पता नहीं होता। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, कल तो हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक में सीने का दर्द होता है, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है एसिडिटी के हवाले से, बदहज़मी के हवाले से, और ये दोनों टॉपिक बहुत मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों में ख़ास बात ये है कि हार्ट अटैक में भी सीने में बोझ होता है, दर्द होता है, और किसी को एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस हो या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो तो उसके भी सीने में जलन रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे अलग करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब सीने में कोई जलन हो या दर्द हो तो आम तौर पर ये समझा जाता है कि ये बदहज़मी है और कभी चूरन खा लिया जाता है, कभी कोई कोला ड्रिंक्स पी ली जाती हैं कि डकार आएगी सही हो जाएंगे, वॉक करके सही हो जाएगा। पहली बात तो इस बात को किस तरह से कोशिश करें, किस तरह से समझें कि दोनों के दर्द में क्या दर्द है, फ़र्क है। दूसरी बात, वो क्या वजूहात हैं जो इंसान की जो निज़ाम हज़म है, क्योंकि ये जो बदहज़मी हो रही है ये निज़ाम हज़म में कोई ख़राबी हो जाती है और फिर ये बदहज़मी एसिडिटी आगे जाके पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है एक तरह से समझ लीजिए कि आपके मेदे में ज़ख़म हो जाता है, और ये अल्सर दो जगह पे हो सकते हैं, या तो ये मैदा जिसको हम स्टमक कहते हैं या फिर मैदे से आगे जाके खाने की जो नाली है जिसको हम ड्यूओडेनम कहते हैं वहाँ पे हो सकता है। तो ये दो तरह के अल्सर हैं पेप्टिक अल्सर, एक को हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं और एक को ड्यूओडेनल अल्सर। आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है या किसी को ड्यूओडेनल अल्सर है तो दोनों की अलामतों में क्या फ़र्क है। और एक बैक्टीरिया बड़ा मशहूर है ज़माना, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, सवाल ये पैदा होता है कि उसका क्या रोल है, वो कैसे अल्सर या एसिडिटी को जो है वो क्रिएट करता है, फिर इनका इलाज क्या है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं और आप शरीक हो सकते हैं अपने सवाल, तो अपनी शुगू को शुबात के साथ नंबर है 3530578 और 79, कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। नाज़रीन, मज़ीद बातें करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा कॉल ले सकें, तो इब्तिदा अभी हमें कॉल से ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करें, कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, सादिकाबाद से बात कर रही हूँ जी। क्या नाम है आपका जी? साजिदा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब जी? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये मुझे ये मालूम करना था एक्चुअली कि मेरे ये घुटनों में बहुत पेन होता है तो उसके लिए मैं मेडिसिन लेती हूँ, तो
वो मेडिसन लेने की वजह से मुझे स्टमक में ये एसिडिटी रहने लगी है। जी जी, तो उसका कोई हल बताइए। मैंने जिस दिन आपका ये जॉइंट्स पे था प्रोग्राम, उस दिन भी काफी कोशिश की आपके प्रोग्राम में बात करने की, लेकिन हो नहीं पाई। आप कौन सी दवा लेती हैं, नाम बताएंगे आप मुझे? ये एक तो वो रोटिक पेन किलर, ठीक है, और एक उसके साथ जो है वो जीवोलॉक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं भी आपको इसका जवाब देता हूँ। और एक और कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? फरीदा मुजफ्फर जी। मैं जी, खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी फैमिली में जब भी किसी को हार्ट बर्न होता है तो उसको साथ ही बीपी हाई हो जाता है, उसको कहते दिमाग पे चढ़ गया। मैं थोड़ा सोशल करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बताते हैं कि मेदे में बड़ी सर तकलीफ हो गई, पंजाबी में एक लग साढ़े सिर में चढ़ गया, सिर में चढ़ गया, सिर में चढ़ गया। अच्छा, मेरे से अब सर का कोई ताल्लुक नहीं बनता, ठीक है। तो लेकिन उनको या तो टेंशन से फिर बहुत ज्यादा, मेरी बहनों को भी इस तरह है, मेरे भाई को भी है, अगर हार्ट बर्न है तो साथ ही उनका बीपी बहुत शूट कर जाता है, ठीक है। ऑलरेडी होता है बीपी होता है, लेकिन उस वक्त नहीं प्रॉब्लम हो रही होती, लेकिन हार्ट बर्न की वजह से क्या ऐसा होता है? अच्छा ये बताइए, जब आपको ये किसी ने जो अलामतें बताई हैं, और ये अमूमन बड़ी कॉमन अलामतें हैं कि वो गैस का गोला सर में चढ़ गया, ठीक है, ये यही कहा जाता है ना? जी जी। अच्छा, उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक किया है या अपनी तरफ जी, से अज्यूम किया है? चेक किया, चेक करवाते हैं, उस वक्त चेक करवाते हैं। उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है? बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद मेरा जाती था, मैं उनको ये कहती हूँ कि तुम्हें टेंशन से हाई हो जाता है, क्योंकि मेदे की तकलीफ बड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, मैं इसका सवाल का जवाब अभी आपको होती है तो उसके अंदर तुम्हारा बीपी हाई। ठीक है, ठीक, अभी आपको इसका सवाल का जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा है? मैं वही मिसेज हामिद बात कर रही हूँ, आपने मेरी कहने पर ये प्रोग्राम किया था। जी मिसेस हामिद, खैरियत से? थैंक यू। मैंने क्वेश्चन पूछना था वही रिफ्लक्स के हवाले से, कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा है ओसोफेजियल रिफ्लक्स है, जी जी, राइट, आपके मसल्स नीचे के लूज हो गए ओसोफेगस के, और इसके लिए आपको कंटिन्यूसली ये टेबलेट्स लेनी पड़ेगी, राइट, खाने से पहले। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि यह हमेशा खानी पड़ेगी टेबलेट्स? ठीक है, मैं इसका सवाल और दूसरा एक और भी, जी जी, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें कामयाब है, अगर वो करवा ले तो इससे जान छुट जाएगी? ठीक है, ठीक है, यही मुझे प्लीज ये अभी आपको सवाल का जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सातवाबाद से साजदा साहिबा, घुटनों में दर्द अमूमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एज रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादातर ख़वातीन को होता है, वक्त के साथ साथ जो है घुटने थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। जो दवाएं घुटनों के दर्द में अमूमन ली जाती हैं पेन किलर्स, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो एसिडिटी करती हैं, वो जलन करती हैं मेदे में, तो अब लंबे अरसे तक ली जाएंगी ज़ाहिर बात है घुटनों में दर्द, तो उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट जो है कि कोई भी पैरासीटामोल वाली दवाएं, ये जो ग्रुप है जो आप ले रही हैं ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, मुख्तलिफ नामों से मार्केट में ये अवेलेबल है, इनकी जगह अगर आप पैरासीटामोल ले लें तो पैरासीटामोल जो है उससे एसिडिटी नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि ऐसी दवाएं अमूमन खाने के बाद ली जाती हैं, खाली पेट नहीं ली जाती हैं, लेकिन ये जो दवाएं आप ऑलरेडी ले रही हैं तो उसकी वजह से जलन होगी, तो इनकी जगह पे आप पैरासीटामोल से रिलेटेड दवाएं ले लीजिए तो आपका जो है ये जलन का मसला सॉल्व हो जाएगा। फरीदा साहबा, आपका जो सवाल था कि अमूमन जब किसी को मेदे में जलन होती है, तजावियत होती है, तो वो गैस का एक गोला जो है वो सर पे चला जाता है, और उस वक्त आप ये पूछना चाह रही थी कि क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि अमूमन आपने देखा कि जिनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो बढ़ा हुआ था। ऐसा मेदे से ब्लड प्रेशर का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ हो, और इत्तेफाक से क्योंकि आपने उस वक्त चेक किया है कि उनके जी सर पे गोला फील हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से लाइक आपको ये लग रहा होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर ऑलरेडी उनका आम दिनों में भी, बेस्ट ये है कि ब्लड प्रेशर जो है हफ्ते में दो दफ़ा, दो तीन हफ्ते तक ज़रूर चेक करें, और चेक करके रीडिंग को नोट करें, आम दिनों में भी जिस वक्त आपके या किसी आपके जानने वाले के वो सर पे चढ़ नहीं गया या सर पे गोला नहीं चढ़ा, तो उसके अलावा भी आप चेक करें कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि उनका शायद ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ होगा। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कॉल मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
जी कौन सा बात कर रहे हैं? लियाक़ताबाद से। नहीं, लियाक़ताबाद से तो आपकी जगह है, आपका इसमें ग्रामी सरवर नाम है। जी सरवर साहब फरमाइए। मैं खाना खा लूँ, खाना खाते सर मोशन हो जाते हैं और हाथों में बहुत नीचे बहुत दर्द रहता है, कुछ भी खा लूँ, मीठा खाऊँ कुछ भी खाऊँ। नहीं, खाने के बाद आपने क्या फरमाए, खाने के बाद क्या होता है सर, भारी हो जाते हैं, मोशन हो जाते हैं, खाने के बाद मोशन हो जाते हैं। जी ठीक है। ये बताइए कितने अरसे से तकलीफ हो रही है आपको? ये 10 साल से है, फिर सही हो जाती है, फिर हो जाती है 4 महीने बाद। अच्छा, ये इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी की वजह से कमजोरी होती है, बदन कांपने लगता है। अच्छा, और घुटनों में दर्द और टांगों में बहुत रहता है, चला नहीं जाता। आपकी उम्र कितनी है सरवर साहब? 45। जी। अच्छा, वजन आपका कितना है? वजन में कोई तब्दीली महसूस की है आपने? वजन कम हो रहा है। वजन कम हुआ है? कितना कम हुआ है अंदाजन? पहले कितना था और अब कितना है? ये तो याद नहीं है मुझे, वजन कम हुआ। वजन कम हुआ है। आपने कभी फील किया है कि आप के बहाने में कभी खून वगैरह तो आपने नहीं देखा? नहीं, पहले मैंने नजीर चौधरी साहब को दिखाया तो उन्होंने MRI वगैरह भी कराया। MRI करवाया? लैप्रोस्कोपी, उन्होंने कोई वो CT स्कैन वगैरह, कोलोनोस्कोपी वगैरह की है क्या? नहीं, ये नहीं करी। अच्छा, ये बताइए, CT स्कैन कराया था? CT स्कैन किस चीज का कराया था? पूरे पेट का है। उसमें कोई चीज डायग्नोस नहीं? नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल था। कब्ज रहता है आपको? नहीं, कब्ज नहीं रहता। कब्ज नहीं रहता? गुड़गुड़ आवाज आती है, में कभी कपड़ों में निकल जाता है, कभी रास्ते में निकल जाता है, बहुत परेशान। अच्छा, ओके। ये 10 साल से है आपको? जी। अच्छा, ये बताएं आपको कोई टेंशन्स वगैरह, स्ट्रेसेस वगैरह तो नहीं है बहुत ज़्यादा? नहीं, टेंशन नहीं है, हमारे बच्चे नॉर्मल है, ऐसी कोई बात या नहीं। आपकी फितरत में ज़्यादा स्ट्रेस आप जल्दी तो नहीं ले लेते? हाँ, जल्दी ले लेते हैं। जी। बहुत शुक्रिया सरवर साहब। बेसिकली जो आपका मसला है, अच्छा तो आपके मसले से पहले मुझसे कहा गया एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? दर्शक क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा बात कर रहे हैं? हबीब अहमद बात कर रहा हूँ। अरे हबीब भाई, खैरियत से हैं? जी शुक्र। कहाँ गए थे आप? ठंडी बड़ी लाहौर में, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो हम आपसे कब कह रहे हैं कि पार्क में आके फोन करें आप हमें? जब आपका प्रॉब्लम लगता है ना डॉक्टर, तो लाइट चली जाती है। ये तो बड़ी जालिम समाज। जालिम समाज क्या है डॉक्टर साहब, यकीन करें वो बगैर बताए लोड शेडिंग होनी शुरू, बताते ही नहीं कब जानी कब आनी है, ना पानी है ना गैस है ना बिजली है। वो एक गाना है ना, तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। हाँ जी, बस वो आदत हो गई ना, अब तो आदत सी हो गई। अब तो आदत सी हो गई जनाब। और डॉक्टर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैंने बात करनी थी डॉक्टर साहब के, मतलब कि आपके साथ जब बात होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से आप पेशेंट को समझाते हैं इस चीज़ें कि भी ऐसे करेंगे तो उसका ये फायदा होगा उसका, और ये बहुत यकीन करेंगे लायक ही चीज़ है कि मेरे ख्याल में कि भी जो कॉल भी नहीं ना करते उनको बैठे बैठे दूसरी का पता चल जाता है। चलें जी, बात में जी, मुझे माशाल्लाह मैं भी देख रहा हूँ, घर वाले भी देख रहे हैं। मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये है कि एक तो मेरे सीने में बड़ी जलन होती है, दूसरा मेरे मेदे में प्रॉब्लम रहती है। हफ्ते में 10 दिन बाद ना मुझे कुछ अचानक बैठे बैठे शॉप पे बैठे बैठे दर्शन में शुरू रहती है, तो वो फिर जाता हूँ डॉक्टर के पास कि वो गोली देते हैं, वो खाई ठीक हो गया, मगर तो परमानेंट मुझे बताएं इसका, क्योंकि मुझे डायबिटीज भी है। डायबिटीज भी आपको? आपकी उम्र दोबारा पूछ सकता हूँ? 38। और दर्द आपको कहाँ, सीने में ही होता है? मेदे में, बिल्कुल मेदे के ऊपर दर्द होती है। मेदे के ऊपर दर्द किस तरह का होता है? मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। एक तो होता है जिसमें जलन हो रही होती है, एक होता है जिसमें मड़ोड़ हो रहा होता है, एक होता है जिसमें कोई चीज खिंच रही होती है, एक होता है जिसमें सुइयां चुभ रही होती हैं। दरअसल जो मुझे यहाँ पे दर्द होती है, जैसे कोई चीज चुभ नहीं रही, जैसे कोई मतलब चीज अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है, दर्द होती है वो चीज उस तरह से। अच्छा, ये बताइए कि किसी चीज से दर्द आपका हल्का हो जाता है या आराम मिल जाता है आपको? हाँ जी, वो मेरे सेहन में नहीं आ रही, एक मेडिसिन है वो, मैं अक्सर वही गोली खाता हूँ तो मुझे ठीक हो जाता है। अच्छा, अभी जेहन में नहीं है मेरे। अच्छा, बाकी दिमाग में नहीं है, लेकिन वो एक दवा खाने से कम हो जाता है। हाँ जी, उससे कम हो जाती है। ओके, चलें अभी आपके
अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। इसमें ये ना डॉक्टर साहब, मुझे डायबिटीज भी है तकरीबन 4 साल 5 साल से ना, तो अपन तो खुराक तो मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मगर ये जो प्रॉब्लम है जलन की सीने में और मैदे की, ये जरा थोड़ा सा इसके बारे में जरा प्लीज बताइए। अच्छा, हसद तो नहीं है किसी से जी? सिर्फ जलन है, हसद तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तो बस ये नहीं चीज। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मिसेस हामिद, सरवर साहब, हबीब साहब, आप सब की सवालात का जवाब भी देंगे, मज़ीद बातें करेंगे। आज बहुत अच्छे गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो कि पिछले हफ्ते मौजूद थे, वो भी अभी जुम्मे में ज्वाइन करें जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा।